हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलेंगी। तो हमने जो स्टार्ट कर रखा है फर्स्ट सब्जेक्ट, वो है 11th क्लास अकाउंटेंसी में चैप्टर वन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके हमारे पास तीन या चार पार्ट्स हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप दिशा चैनल्स पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। चैप्टर टू का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग में आगे फर्दर चैप्टर्स को करने के लिए अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है कि उन टर्म्स का क्या मीनिंग है। अकाउंटिंग में उनका मतलब अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक टर्म होती है अकाउंटिंग में ड्राइंग। अगर आप एक नॉर्मल बंदे को बताएंगे ड्राइंग का क्या मतलब है, तो शायद उसके लिए ड्राइंग का मतलब है कि आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं। ड्राइंग का उस बंदे के लिए अगर हम मीनिंग करें तो उसके लिए ड्राइंग का मतलब हो सकता है कोई भी पिक्चर जो बना रखी है। जैसे हम पिक्चर्स बनाते हैं या हमारी कोई भी फोटो होती है, जैसे कोई हमारे जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उसने कोई पिक्चर ड्रॉ कर रखी है किसी आदमी की या कोई एक ब्यूटीफुल सीनरी है उसकी, क्लियर। लेकिन ड्राइंग्स का मतलब अकाउंटिंग में अलग है, इसका यहाँ मीनिंग अलग है जो हम डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग की उन्हीं टर्म्स को हम आज डिस्कस करेंगे जिनका मीनिंग अकाउंटिंग में अलग है और नॉर्मल पर्सन्स के लिए उनका मीनिंग अलग है। तो फर्स्ट हम चलते हैं, हमारी जो टोटल अकाउंटिंग की टर्म्स हैं वो हैं 25। आज हम 6 या 7 टर्म्स को डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, क्लियर है। तो आज हम चलते हैं पहले हमारी अकाउंटिंग टर्म फर्स्ट पे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन होती क्या है, जिनको अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में जब अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था तो पूरे अकाउंटिंग के मीनिंग में हमने ये पढ़ा था, हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्चुअल में होती क्या है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का अगर हम सिंपल सा मीनिंग देखें तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को क्या कर दे, चेंज। फाइनेंशियल पोजीशन भी हमने बात करी थी, हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एक बंदे की, या हम बिजनेस की बात करें तो उस बिजनेस की फाइनेंशियली क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है आज के टाइम पे, उसके पास कितनी। बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, यही तो दिखाते हैं क्या उसके पास एसेट्स हैं, क्या उसने लोगों को पैसे उधार ले रखे हैं जो देने हैं, लाइबिलिटीज हैं उसकी, कितना उसने लोगों से उधार ले रखा है और कितना उसके जो ऑनर्स हैं या प्रोप्राइटर है उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी। यही तो फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि बिजनेस की इतनी कैपिटल है, इतने एसेट्स हैं और इतनी लाइबिलिटीज हैं, मतलब इतना पैसा उसने लोगों से उधार ले रखा है, ये उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है। अगर तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब है कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी इन तीनों में से किसी भी एक को इफेक्ट करे, उसकी वैल्यू को चेंज करे। जैसे आपने मशीनरी परचेज करी कैश पे, तो आपका कैश गया तो एसेट्स की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। मशीनरी आ गई उसके बदले पे, तो मशीनरी भी क्या है आपकी एसेट, तो मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, दोबारा से एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो आपका इफेक्ट पड़ा एसेट्स की वैल्यू पे, एसेट्स की वैल्यू क्या हुई, चेंज। इसी को हम मान लेते हैं कि भी आपने राम से मशीनरी उधार पे ली, अब उधार पे ली है तो मशीनरी आपकी एसेट तो आ गई, तो एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। उधर से आपकी जो पैसा तो नहीं गया लेकिन आपने उधार पे लिए तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई, लाइबिलिटीज बढ़ी तो लाइबिलिटीज की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब इन तीनों की किसी भी वैल्यू, इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू को क्या करे, चेंज करे, इफेक्ट करे, क्लियर। अब हम इसके नेचर की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको मानेंगे। अब ये कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, अगर हम फीचर्स की बात करें कि भी चार चीजें हैं ये होनी चाहिए तभी उस चीज को हम क्या कहेंगे, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, वो सोशल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मान लो आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया, कुछ भी लगा लो, कोई आपने लैपटॉप गिफ्ट किया, तो आपने उसे लैपटॉप गिफ्ट किया तो ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नहीं। ये कैसी एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी। तो हम सोशल एक्टिविटीज को नहीं लेंगे, सोशल एक्टिविटीज को नहीं लेंगे, हमारी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक। दूसरा, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है या बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो दो टाइप की हो सकती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल।
इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी होंगी जो हमारे बिजनेस के अंदर ही हो रही है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने डेप्रिशिएशन पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, कि भी डेप्रिशिएशन हम चार्ज करते हैं, मतलब जो हमारी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग। आज अगर 10 लाख की मशीनरी ली है तो वो 2 साल के बाद 10 लाख की नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि आप उसे यूज कर रहे हो टाइम के साथ, यूज के वजह से उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन, जो वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही है। तो डेप्रिशिएशन जो है, अब ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपकी एसेट्स के फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, क्योंकि आपकी एसेट जो 10 लाख की मशीनरी थी अब डेप्रिशिएशन की वजह से 8 लाख की रह गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, ये हमें पता चल गया, लेकिन कैसी है, इंटरनल, अपने ही बिजनेस में हो रही है, आप अपने ही बिजनेस में उसे काट रहे हैं। एक्सटर्नल एक्टिविटीज कौन सी होंगी, जब आप कोई चीज दूसरे बिजनेस के साथ कोई डील कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे आपने परचेज करी, तो परचेज आप अपने अंदर ही थोड़ी ना कर रहे हैं, परचेज आप किसी अदर फॉर्म से कर रहे हैं, किसी बाहर वाले बिजनेस से कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर। थर्ड कहता है जो भी एक्टिविटी हो इकोनॉमिक, उससे हमारी फाइनेंशियल पोजिशन में क्या आना चाहिए, चेंज, तभी उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर है फोर्थ, कि भी जो चेंज आया है वो ऐसा चेंज होना चाहिए जिसे हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकें। जैसे आग लगी, आग लगने से आपको लॉस हुआ, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं कितने का लॉस हुआ, तो हम उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन मानेंगे। अगर मान लो डेटर्स थे जिनको आपने उधार पे माल दे रखा था, उन्होंने आपका पैसा नहीं दिया, तो इसको भी आप मेजर कर सकते हैं कि भी कितना पैसा उन्होंने नहीं दिया हमारा। तो ऐसी ट्रांजेक्शंस को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन मानेंगे, जो चेंज हुआ है हमारी किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन में, उसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकें। लेकिन आपका कोई इफिशियंट मैनेजर था, वो रिटायर हो गया, क्या आप इसको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो कि क्या लॉस आपके बिजनेस को होगा उसकी वजह से, क्योंकि वो अच्छा मैनेजर था? नहीं, आप मनी की टर्म्स में मेजर नहीं करेंगे, तो इसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। तो आई थिंक आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्लियर है। कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आने का मतलब है या तो आपकी एसेट्स की वैल्यू चेंज हो, या आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो, या आपकी कैपिटल की वैल्यू चेंज हो। और जो ट्रांजेक्शन है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपके बिजनेस के अंदर ही, जैसे डेप्रिशिएशन। एक्सटर्नल बाहर वाले बिजनेस के साथ, अदर फॉर्म्स के साथ, जैसे आपने परचेज करी है, सेल करी है, वो। उसके बाद जो आपका चेंज हुआ है एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, या कैपिटल की वैल्यू में, वो कैसा होना चाहिए जिसे हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सके। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारी टर्म पे। नेक्स्ट हमारी टर्म है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शंस हो रही हैं। अब हमने बात करी थी बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होंगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब या तो हमारी एसेट, या हमारी लाइबिलिटी, या हमारी कैपिटल में की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो अब जो चेंज आया, मतलब रिजल्ट, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका क्या रिजल्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, उसे हम बोलेंगे इवेंट। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इवेंट का। क्लियर। इवेंट क्या होता है, जो कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका क्या रिजल्ट हुआ है, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ है। क्लियर। अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल है कि भी एक बंदा है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और उस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करके उसमें कितने की इन्वेस्टमेंट करी है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने करी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसने 4 लाख की गुड्स खरीदी हैं। उन 4 लाख की गुड्स में से उसने कैश सेल्स 380 की करी है, और जो ये सेल्स करी हैं, ये जो थर्ड फोर्थ ऑफ गुड्स बेची हैं, मतलब जितनी उसने 4 लाख की परचेज करी थी, 4 लाख में से 3/4 ऑफ गुड्स उसने कितने रुपए के लिए बेच दी, 3,80,000 के लिए। उसके बाद कह रहा है उसने गोडाउन का रेंट भी पे किया है, वो कितना है, 20,000। क्लियर। अब इन ट्रांजेक्शन का हम रिजल्ट देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ हमें, क्यों प्रॉफिट हुआ, आपने सेल्स करी 3,80,000 की। अब कितने की वो गुड्स ली थी, आपने 4 लाख की क्या ली थी, गुड्स ली थी। इसमें से हमने कितनी बेची हैं, थर्ड फोर्थ की वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो थर्ड फोर्थ गुड्स हमने परचेज करी थी वो कितने की आई थी। तो इसको अगर हम इससे काटेंगे तो ये आ जाती है हमारी 3 लाख। तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 3 लाख। 3 लाख की गुड्स को हमने कितने की बेच दी, 3,80,000। और 20,000 हमने क्या कर दिया, गोडाउन रेंट का पे कर दिया। मतलब जो हमारी सेल्स हुई, सेल्स में से हमने सारे खर्चे निकाल दिए, परचेज की कॉस्ट भी निकाल दी, और हमारा जो गोडाउन का रेंट हुआ, मतलब हमने रेंट दिया, वो भी हमने काट दिया। तो 60,000 हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। तो ये रिजल्ट है, जो हमने ट्रांजेक्शन हुई हमारे बिजनेस में उनकी वजह से ये प्रॉफिट आया, मतलब रिजल्ट, इसे हम बोलेंगे इवेंट। फिर दूसरा देखते हैं, अब आपने
4 लाख की गुड्स खरीदी थी, उनमें से हमने 3/4 मतलब 3 लाख की तो बेची है, अभी भी 1 लाख की गुड्स हमारे पास पड़ी हैं। तो ये भी 1 लाख का जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आया वो भी क्या है हमारा, जो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया, क्लोजिंग स्टॉक जो 1 लाख का आया क्योंकि आपने 4 लाख की गुड्स खरीदी थी, 4 लाख में से आपने 3 लाख वाली 380 की बेच दी, क्लियर। तो जो ये 1 लाख की गुड्स हमारे पास पड़ी है ये क्लोजिंग स्टॉक भी किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने 2 ट्रांजेक्शन करी, परचेज करी, उसके बाद सेल करी, और सेल करने के बाद भी कुछ हमारे पास बच गया, ये उसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। तीसरा इवेंट हमारे पास इन्हीं ट्रांजेक्शंस में क्या निकल गया है, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कैसे आएगा, जब हमने कैपिटल लगाई थी वो कितने की थी, 5 लाख की, उसके बाद हमने कैश पे सेल्स करी, कितने की सेल्स करी, 380 की, इनमें से अब हमने पे कहाँ कहाँ किया, हमने 4 लाख की तो कैश परचेजेस करी, 4 लाख हमने वहां दे दिए, उसके बाद 20,000 का रेंट दिया, गोडाउन का रेंट, तो 4,20 का हमने खर्चा कर दिया, टोटल 8,80 हमारे पास आए थे, तो बचा हुआ 4,60, ये जो कैश बचा है ये भी किन की वजह से बचा है, जो ये ट्रांजेक्शंस हुई, हमने पैसा लगाया, फिर उसके बाद हमने सेल्स करी, उनसे भी पैसा आया, लेकिन हमने पैसा दिया कहाँ का, हमने एक तो कैश पे परचेज करी और एक गोडाउन का रेंट पे किया, यहां हमने पैसा दिया, तो जो बैलेंस आया, जो बचा, वो क्या कहलाएगा, इवेंट, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या आया उन ट्रांजेक्शंस का, जो ये ट्रांजेक्शंस हुई उन्हीं के तो रिजल्ट्स हम निकाल रहे हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो कैपिटल, आपने जो इनिशियल कैपिटल लगाई वो हमने कितने की लगाई, 5 लाख की, उसके बाद जो अभी प्रॉफिट्स हुए 60,000 के, ये भी इसी में ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कैपिटल कितने की होगी, 5,60,000 की, ये भी किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शंस करी, पहले पैसा लगाया, फिर परचेज करी, परचेज करके गोदाम का रेंट पे करा, और फिर सेल्स करी, सेल्स में से जो प्रॉफिट आया उसको ऐड करके अब हमारी कैपिटल कितने की होगी, 5,60,000 की। तो ये होते हैं इवेंट्स, जो ट्रांजेक्शंस की वजह से रिजल्ट्स निकल के आते हैं या उनके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इवेंट्स। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड टर्म पे। थर्ड जो हमारी टर्म है वो है अकाउंट। जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि भी अकाउंट, एक लेजर अकाउंट हमने वर्ड यूज किया था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, तो लेकिन हम इसमें भी क्लियर करेंगे। अब हम बात करें अकाउंट की। अकाउंट क्या होता है, अगर हम अकाउंट की बात करें, जब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। और उसका नाम रख रखा है जर्नल, क्लियर। इसमें जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री जर्नल है, इसमें हम सारी ट्रांजेक्शंस को लिख देते हैं जितनी भी हमारे बिजनेस में हो रही हैं, बेशक वो कैसी भी हो, मिक्स मैच होता है, मींस सेल्स की भी लिख रहे हैं हम, यहाँ परचेज की भी लिख रहे हैं, यहाँ अगर हमने रेंट पे किया उसके भी लिख रहे हैं, अगर हमने कमीशन पे किया उसके भी लिख रहे हैं, अगर हमारी कोई भी और एंट्री है, मान लो हमने कह सकते हैं हमने सैलरी पे करी उसकी भी है, तो ये सारी ट्रांजेक्शंस जर्नल में मिक्स होती रहती हैं। मतलब जर्नल में ऐसा नहीं है कि एक जैसी ट्रांजेक्शंस को एक जगह, अगर आपको टोटल सेल्स निकालनी है तो पूरा जर्नल उठाना पड़ेगा, एक साल के जर्नल में ये देखो सेल्स पता नहीं आपकी हजारों बार हुई होंगी, पता नहीं 20,000 या 30 लाखों बार हुई होंगी, उनको आप इकट्ठा करोगे, जोड़ोगे, जब जाके आपको पता चलेगा टोटल अमाउंट सेल्स का क्या है। इसी के बाद जब हमने अकाउंटिंग का प्रोसीजर पढ़ा था तो ये तो हमने सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करने से हमारे पास कोई भी रिजल्ट्स नहीं आते, इसलिए हम क्या करते हैं, डाटा को क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब है हम एक जैसी नेचर की ट्रांजेक्शंस को एक जगह लिख देते हैं। अब मान लो मैं इसमें से सिर्फ सेल्स को उठा लूँ, यहाँ भी सेल्स हुई है, मान लो दोबारा फिर सेल्स हुई है, ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। अब मैं इन सेल्स को एक जैसी नेचर की जो है, जैसे एक जैसी जो ट्रांजेक्शंस हैं एक जैसे टाइप की, जैसे सेल्स, तो सेल्स को उठा के अगर मैं एक जगह लिख दूँ टोटल सेल्स, ये हुई, बाद में इनका क्या कर दूं, मैं यहां टोटल कर दूं, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंट। जब हम एक जैसी ट्रांजेक्शंस को एक जगह रख देते हैं उसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट्स। तो अकाउंट वो होता है जिसमें हम एक जैसी ट्रांजेक्शंस को, जो एक जैसी ट्रांजेक्शंस है उनको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उस एक चीज को हम बोलते हैं अकाउंट, क्लियर। अब अकाउंट की जो हम कहते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स हैं, हर एक टाइप के लिए या जितने भी टाइप की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, एक हर एक
आइटम के लिए या हर एक इंडिविजुअल के लिए आप क्या करते हो, अलग अलग अकाउंट्स बनाते हो, लेजर, लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं। जैसे हमने राम को हमने उधार पे माल दे रखा है, तो राम का भी एक अमाउंट हमारे पास मिलेगा। श्याम को भी हमने उधार पे माल दे रखा है, श्याम भी हमारा क्या है, डेटर्स। लेकिन मान लो मोहन से हमने मशीनरी परचेज कर रखी है उधार पे, तो मोहन कौन है, हमारा क्रेडिटर। तो मोहन से क्या पता हमने 10 बार मशीनरी परचेज करी हो, कोई एक पार्ट है मशीनरी का, वो परचेज करते हैं हम मोहन से 10 बार करी होगी। अब मोहन की सारी ट्रांजेक्शन को हम क्या कर देंगे, मोहन अकाउंट में डाल देंगे। मोहन अकाउंट खोलेंगे और उसमें डाल देंगे, ये कौन है, हमारा क्रेडिटर। तो हर एक बंदा इंडिविजुअल या कोई भी आइटम है, जैसे सैलरी की आइटम है, रेंट की है, परचेज की, सेल की, कोई भी आइटम हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, उनको जब हम एक जगह इकट्ठी कर देते हैं तो उसे बोलते हैं अकाउंट। अब अकाउंट को जो लिखने का तरीका है, अकाउंट की जो टाइप है, अकाउंट को हम A/C से रिप्रेजेंट करते हैं। और अकाउंटिंग की दो साइड्स होती हैं, एक को जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट, और जो राइट साइड होती है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट को DR बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, क्रेडिट को CR बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब हम इसका एक पैटर्न बना लेते हैं कि भी कैसे अकाउंट बनता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, एक थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे मान लो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट लिखेंगे, अकाउंट को A/C लिख सकते हैं। उसके बाद हमने अभी बात करी इसकी कितनी साइड्स होती हैं, दो साइड्स होती हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, ये होगी हमारी डेबिट साइड, डेबिट को DR लिख देंगे, और राइट साइड हमारी क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट को हम CR लिख देंगे। अब कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर? मेरे ख्याल से अकाउंट भी आपको क्लियर हो गया, अकाउंट का क्या मीनिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली जो हमारी टर्म्स है वो हम कल करेंगे।